प्रिय दर्शकों, हमारे श्रीमन्नारायण ज्योति संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम आपके लेकर आए हैं राहु और केतु का राशि परिवर्तन। राहु केतु का राशि परिवर्तन किसी किसी राशि वालों के लिए, कुछ राशि वालों के लिए जबरदस्त सफलता देने वाला है। अब हम आपको आज बताएंगे कि किन राशि वालों के लिए जबरदस्त सफलता मिलेगी, उनके जीवन में क्या होने वाला है और जबरदस्त मनुकूल भाग्योदय और सफलता उनको मिलेगा। प्रिय दर्शकों, 11 अप्रैल 2022 को राहु और केतु रात 8:30 बजे यह अपने राहु वृष राशि से वक्रगत मेष राशि पे और केतु वृश्चिक राशि से वक्रगत तुला राशि पर आ जाएंगे, जो कि कई कई राशि वालों के लिए अच्छी सफलता, कई राशि वालों के लिए थोड़ा सा कष्टदायक साबित हो सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि किन चार राशि वालों के लिए विशेष सफलता मिल सकती है। वे हैं अधिक सभी राशि वालों के जानने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल पर जाकर के आप सभी राशि वालों के लिए अलग अलग राशि की वीडियो डाली हुई है, राशि परिवर्तन, राहु केतु का राशि परिवर्तन, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। इसमें हम विशेष चार राशि वाले जिसका विशेष भाग्योदय होने वाला है उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि इन चार राशि वालों के लिए क्या कुछ खास होने वाला है, क्या सफलता मिलेगी आपको। वे हैं मिथुन राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। इन चार राशि वालों के लिए जबरदस्त सफलता मिलने वाला है। आइए हम एक एक करके आपको बताते हैं कि क्या क्या इनसे लाभ होगा। आइए मिथुन राशि का पहले बताते हैं। मिथुन राशि के राहु लाभ स्थान पर विराजमान रहेंगे। त्रिखष्ट एकादशे राहु सर्वा अरिष्ट प्रशांतय। अगर एकादश स्थान में राहु मेष राशि में बैठ जाए तो अचानक जबरदस्त सफलता मिलता है, प्रशासनिक क्षेत्रों से लाभ होता है। अगर आप सरकारी कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं या लड़ना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी सफलता है। अगर आप कोई मुकदमा इत्याद करने का विचार बन रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, या कोई मुकदमा पहले से ही चल रहा है तो आपको विजय होगी। राहु लाभ स्थान पर बैठ करके अच्छी सफलता दे सकते हैं। शत्रु पर विजय, हर प्रकार से सफलता, घर में सुख संबंधी और लग्जरी सुविधाएं भी आपको दे सकते हैं। और शरीर अगर रोगी है तो आपका स्वस्थ होने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। आइए बताते हैं कि राहु किन किन घरों पर दृष्टि डाल रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। राहु की पांचवी दृष्टि पराक्रम पर है, जो कि अपने पराक्रम से लाभ होगा, मित्रों से लाभ होगा और किए भाइयों की उन्नति होगी। इसमें सातवीं दृष्टि संतान पर है। संतान से कुछ चिंताएं जरूर होंगी लेकिन आपकी उन्नति होगी, बिजनेस सफलता मिलेगा, संतान की उन्नति होगी। अगर विवाह इत्यादि नहीं हुआ है तो होने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। और अगर कोई फैक्ट्री या कोई नया बिजनेस आरंभ करना है तो यह समय बहुत अच्छा रहेगा। 11 अप्रैल 2022 से 18 महीने तक राहु और केतु दोनों 18 महीने तक एक राशि पर रहते हैं, 180 डिग्री पर क्रम से चलते हैं, इसलिए इनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये हर समय वक्री रहते हैं, छायाकारक ग्रह हैं। राहु की सातवीं दृष्टि आपके पत्नी पर है। पत्नी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत आपकी आ सकती है। पत्नी के स्वास्थ्य में शारीरिक पीड़ा या मस्तक नेत्र में भी या पेट में दिक्कत रहने की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन आपके पत्नी से दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। घर में आपकी खुशखबरी या कोई शुभ समाचार भी होने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और मनोनुकूल सफलता आपको मिल सकता है। आपको केतु भी पंचम में है, संतान की उन्नति कराएंगे और आपको यात्राएं करा सकते हैं, विदेश यात्राएं इत्यादि। अगर आप जाने का योग बना रहे हैं, बहुत अच्छा समय है। अपने देश में भी अगर जाना चाहते हैं तो तीर्थ यात्रा या ऐसे ही पिकनिक बनाने के लिए भी जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए, जा सकते हैं। केतु की सातवीं दृष्टि लाभ पर है, अचानक आपको लाभ होगा, आपको मित्रों से भी लाभ हो सकता है। नौवीं दृष्टि लग्न पर है। कभी कभी आपको अनिद्रा और चिंता भी बनी रहेगी लेकिन राहु लाभ पर बैठकर उस सभी चिंताओं का समाधान करते रहेंगे। आप ज़्यादा आपकी स्थितियाँ सफलता ज़्यादातर आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको कोई दिक्कत महसूस हो तो हमारे इस स्थान से आप जो है संपर्क करके पूरी जानकारी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, समय, जन्म स्थान के मुताबिक जानकारी ले सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं सिंह राशि की स्थिति कैसी रहेगी। सिंह राशि के राहु भाग्य स्थान पर बैठे रहेंगे, जो कि मनोनुकूल आपको सफलता दिलाएंगे। भाग्य में थोड़ा सा भाग दौड़ तो करना पड़ेगा लेकिन अच्छी सफलता मिलेगी। राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। कोई चुनाव इत्यादि लड़ना है तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, आप लड़ सकते हैं, इसमें आपको लाभ होगा। मुकदमा में आपको सफलता मिल सकती है, मित्रों से लाभ हो सकता है, भूमि भवन वाहन का लाभ हो सकता है, लग्जरी सुविधाओं की भी आपको सफलता मिल सकती है। पांचवीं दृष्टि लग्न पर है। कभी कभी क्रोध की अधिकता आपके अंदर आ सकती है लेकिन आपको हर प्रकार से सफलता मिलेगा।
सातवीं दृष्टि मित्र पर है, मित्रों से लाभ होगा, घर में उन्नति होगी, किए हुए पराक्रम में सफलता आपको मिलेगी। यानी सिंह राशि के लिए राहु जबरदस्त सफलता साबित हो सकता है। आपके सोचे हुए कार्यों में सफलता, जो आपका काफी दिन से कार्य रुका हुआ था उसमें आपको लाभ हो सकता है। केतु भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है और सफलता दे सकते हैं। यानी जो है 18 महीने राहु केतु आपके लिए बहुत अच्छी लकी साबित होगी, उसमें हर प्रकार से लाभ होगा। आइए हम आपको बताते हैं वृश्चिक राशि की क्या स्थिति होगी। वृश्चिक राशि के काफी दिनों से केतु राहु लग्न और सप्तम पर विराजमान थे, जो आपको हर समय टेंशन बना हुआ था। खर्च को लेकर आप परेशान थे, नौकरी व्यवसाय में पूरी सफलता नहीं मिल सकती थी, लेकिन अब आपका समय आ गया है, इसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। राहु केतु घर में सुख शांति देंगे, आपकी उन्नति कराएंगे, विदेश यात्राएं भी आपको करा सकते हैं, मनोनुकूल सफलता मिलेगा। घर में कोई विशेष मांगलिक कार्य होने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं और खर्च पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है और बाकी सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। शत्रु पर विजय मिलेगा, रातों रात आपको सफलता मिल सकती है। और कोई नौकरी बिजनेस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगा, मुकदमे में लाभ होगा, भाग्योदय, विदेश यात्राएं देश या विदेश में हो सकती है, माता पिता से सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, संतान की उन्नति होगी और हर प्रकार से आपको लाभ हो सकता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कुंभ राशि की स्थिति कैसी रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए यह बहुत अच्छा समय रहेगा। राहु आपके पराक्रम पर बैठेंगे, पराक्रम पर बैठ करके त्रिखष्ट एकादशी राहु सर्वा अरिष्ट प्रशांत है। 3, 6, 11 में जब राहु बैठते हैं तो अच्छी सफलता मिल जाते हैं, मन अनुकूल सफलता मिलता है, मन प्रसन्न रहता है, हर प्रकार से लाभ मिलता है, शत्रु पर विजय मिलता है और किए हुए पराक्रम से काफ़ी दिनों से जो आप कार्य कर रहे हैं सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि 7.5 भी आपके ऊपर चल रही है, इसलिए आपको लाभ नहीं हो रहा था, अब आपको अचानक लाभ होगा। मित्रों से लाभ हो सकता है, भाइयों की उन्नति हो सकती है, अच्छा कार्य आपके हाथ से कोई बड़ा कार्य धार्मिक कार्य हो सकता है, इसमें अच्छी उन्नति मिलेगी, आपका नाम होगा, प्रतिष्ठा समाज में बढ़ेगी, उन्नति होगी, आपको कई देश की यात्राओं भी करनी पड़ सकती हैं और दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। कहीं प्रेम संबंध चल रहा है तो उसमें भी प्रगाढ़ता और सफलता मिल सकती है आपको। केतु भी भाग्य स्थान पर हैं, भाग्य में अच्छी सफलता देंगे, मन प्रसन्न रहेगा, घर में कोई मांगलिक कर सकते हैं, कुटुंब की वृद्धि होगी, कुटुंब में आपस में तालमेल बना रहेगा, शरीर ज़्यादातर आपका स्वस्थ रहेगा और हर प्रकार से आपको सफलता मिल सकती है। प्रिय दर्शकों, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए हुए नंबरों से संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। आशा करते हैं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्रीमन नारायण। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से है परेशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान, तो आचार्य पंडित अवधेश द्विवेदी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8510997810। हमारा ईमेल आईडी है shrimannarayanjyotishsansthan@gmail.com। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। व्यापार में रुकावट, गृह क्लेश, आर्थिक समस्या इत्यादि का समाधान किया जाता है।